हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो अभी बज रहे हैं 7:30 एंड आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। और अभी मैं सबसे पहले करूँगी ब्रश, क्योंकि ब्रश बाकी है, ब्रश फेस वॉश वगैरह, फिर जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने। अब सबसे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। सो मैं हो गई रेडी। एक्चुअली ना मैं थोड़ी देर पहले ही रेडी हो गई थी, बट फिर मैंने सारा मॉर्निंग का रूटीन कर लिया। और कल रात को ना मैं और मम्मा स्टडीज़ की लाइक प्लान की बातें कर रहे थे, तो उस बात मैंने मम्मा ने मुझे कहा कि पेंटिंग कितना तुम्हारा फिनिश हुआ है, लाइक प्रैक्टिस करना, क्योंकि सबसे पहले तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल की टेस्ट है ना, आई मीन पेंटिंग का प्रैक्टिकल सबसे पहले है। तो मैंने मम्मा को कहा कि मेरा एक भी अभी तक प्रैक्टिस हुआ नहीं है, लाइक रिवाइज नहीं हुआ है। तो मम्मा ने मुझे ना एक चैलेंज दी कि मैं ऐसे एक एक दिन करती जाऊंगी तो अच्छे से कंप्लीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक एक दिन मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है स्टडीज़ में। तो मम्मा ने मुझे कहा कि आज का पूरा दिन मैं करूँगी पेंटिंग की सारी प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। एंड मैंने पेंटिंग की टेस्ट कहा, टेस्ट इन द सेंस टेस्ट नहीं है, एनुअल एग्जाम है, और वो है मार्च में पेंटिंग की प्रैक्टिकल। सो मुझे अभी करना पड़ेगा ना सब कुछ, लाइक थियोरी तो अप्रैल में है बट प्रैक्टिकल जो है वो मार्च में है। और आज तो ना अर्ली मॉर्निंग से ऐसा ही हो रहा है, लाइक 7:30 बजे से ऐसा हो रहा है कि लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो मैं इसका वेट कर रही थी कि एक बार लाइट आना लाइक स्टेबल हो जाएगी ना, फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो उस चक्कर में मेरा मॉर्निंग का सारा रूटीन भी हो गया, बट आ रही है जा रही है, अभी भी देखो चली गई लाइट, पता नहीं कब आएगी और फिर से पता नहीं कब जाएगी, या फिर जाएगी या नहीं, पता नहीं आज क्यों इस तरह से हो रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पेंटिंग की प्रैक्टिस। चलिए, तो पेंटिंग की चैलेंज कर रहा है तो सबसे पहले सारी चीज़ें तो लेनी पड़ेगी ना, पेंटिंग की बुक, फिर ब्रशेस एंड ऑल दैट, कलर्स मेन। तो चलिए वो सब पहले लेती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। सो अभी मैं बैठ गई मेरा फर्स्ट पेंटिंग करने, लाइक पेंटिंग की चैलेंज स्टार्ट करने, ये सब चीज़ें लेकर। तो मैं आपको एक एक करके पहले दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके बैठी हूँ। सो सबसे पहले ये है वाटर कलर केक्स, फिर यहाँ पे पेंटिंग के लिए बुक है, एंड यहाँ पर भी बुक्स है जिसमें मैंने पेंटिंग किए हुए हैं, एंड ये वाली नहीं, सॉरी, ये वाली ऐसी बुक है जिसमें कुछ ही पेजेस आगे के भरे हुए हैं पेंटिंग से, पीछे वाले पेजेस खाली है, तो मैंने सोचा वहाँ पर क्यों ना पेंटिंग किया जाए। यहाँ पर है सारे ब्रशेस, और ये है वाटर कलर पैलेट, देन यहाँ पर है वाटर कलर ट्यूब्स, और ये है उसका बॉक्स, और यहाँ पर है सारे स्केच पेन्स मेरी, यहाँ पर सारे ऑयल पेस्टल्स। ये बास्केट में ना बहुत कुछ है, स्केच पेन्स है, ब्रश पेन्स है, मेटालिक कलर पेन्स है, यहाँ पे स्किन टोन कलर पेन्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्किन टोन्स है, देन इस तरह की पेंसिल कलर्स है, एंड बहुत कुछ। फिर यहाँ पे मैंने वाटर बॉल में भरा हुआ है, एंड एक ब्रश रखा हुआ है, क्योंकि मोस्टली ना मैं यही ब्रश यूज़ करती हूँ। ये कौन सी साइज़ का है मैं आपको बताती हूँ, तो इसका नंबर है 6। मेरी पानी की बॉटल, और यहाँ पर ना मैंने लॉलीपॉप रखी हुई है, एंड उसके नीचे छोटी सी भूख के लिए मैंने रखी हुई है ये ग्रेप्स। तो कुछ ऐसा है मेरा सेटअप। और हाँ, ऐसी चैलेंज नहीं है कि मैं यहाँ पर ही बैठ के ड्राइंग करूँगी, आई मीन पेंटिंग या जो भी मैं कर रही हूँ वो, मैं चैलेंज ये है कि मुझे पूरे दिन ना पेंटिंग करना है, वो मुझे मम्मा ने चैलेंज दी है। मतलब लोकेशन ये हो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मुझे जहाँ पे बैठा है वहाँ पे बैठ के कर सकती हूँ। और मैं यहाँ पर सारा सेटअप करके इसलिए बैठी हूँ क्योंकि ना बेड पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कुछ गिर ना जाए, इसलिए यहाँ पर होता है ना, तो गिरेगा तो टाइल्स पर गिरेगा, और वो तो इजीली क्लीन भी हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। एकदम छोटी सी भूख लगी है, तो मैं खाने वाली हूँ लॉलीपॉप।
तो ये वाला ड्राइंग कर लिया मैंने, लॉलीपॉप भी खा ली। एंड उसके बाद अभी मैं करने वाली हूँ दूसरा पेंटिंग। मैं सोच रही हूँ अभी ना दूसरा लाइक स्केचिंग करूँ, पेंटिंग ना करूँ, तो कुछ ऐसा मुझे करना है। वैसे पहले जो मैंने किया ना वो भी एक्चुअली मैंने किया हुआ है। मतलब आज के ना पेंटिंग का कंसेप्ट ही ये है कि जो मैंने किए हुए ना पेंटिंग्स उसको ही लाइक मैं प्रैक्टिस करूँ, मैं रिवाइज करूँ, ताकि मुझे भी जब एग्ज़ाम प्रैक्टिकल देनी हो तब पाए। और टेक्स्ट बुक के है तो मैंने सोचा वही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे हम कैसे रिटन रिविजन का प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही प्रैक्टिकल है, तो बस मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। लंच का टाइम भी हो ही गया है, सो अभी मैंने लंच कर लिया है और मैंने ये वाला टेबल लेके बेड पर बैठ गई हूँ। तो मुझे नहीं ये बताना था कि ये वाला और ये वाला, ये दो जो मैंने पेंटिंग एंड स्केचिंग किए ना, उन दोनों के आगे ये वाला एक पेज है जो स्किप हो गया है। तो मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट पेंटिंग मैं वहां पर ही कर लूँ। मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो ये है पानी पूरी। तो अभी ना मेरा ये वाला पेंटिंग तो हो गया है एंड मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मेरे ये वाला सेटअप पर ही फिर से बैठ जाऊं अब नेक्स्ट पेंटिंग करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके बाद ये है और इसके बाद ये है और इसके बाद से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कौन सा वाला करूँ, सोच लेती हूँ थोड़ी देर फिर स्टार्ट। डिनर करने क्योंकि मुझे भूख लगी और डिनर का टाइम भी हो गया है। तो ये है हमारा आज का डिनर, आलू पोहे और साथ में मिल्क। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना उनको मुझे डीक्लटर भी करनी है। वैसे बहुत थक गई हूँ बट डीक्लटर करके ही सो जाती हूँ, फिर कल सुबह डीक्लटर उठ के ना करना पड़े। अरे हाँ, सबसे पहले मैं आपको मेरे सारे पेंटिंग्स तो दिखा दूँ जो आज मैंने किए, लाइक पेंटिंग्स एंड स्केचिंग्स। सो आज मैंने टोटल 5 किए, क्योंकि ये लाइक इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है ना, तो मेरे सबसे 5 ही हो पाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो फर्स्ट है ये एंड सेकेंड है ये। इसमें ना टोमेटो मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा अच्छा हुआ है लास्ट टाइम से, इसका कलर कॉम्बिनेशन शायद थोड़ा सा अच्छा हुआ है। फिर ये है स्केचिंग ऑफ बुक, उसके ऊपर गुआवा है,
उसके बाद ये है डांसिंग गर्ल। एक्चुअली ये ना करना होता है इसके ऊपर स्केच पेन से आई थिंक, बट बुक में ना इस तरह से दिया हुआ है तो मैंने उसके ऊपर इस तरह से HB पेंसिल से ही किया। देन लास्ट आज का पेंटिंग जो है ना वो ये है। एक्चुअली इसमें मुझे ये जो है ना वो बहुत ही क्यूट लगता है, लाइक मिनी बल्ब्स लगते हैं। और यहाँ पे मैंने ग्रास की है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें मैं कुछ ऐड करूँ या ना करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो फिर क्या ऐड करूँ मैं, वो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ना आइडिया नहीं आ रहा है। फिर बस फिर कोई भी पेंटिंग नहीं है। तो आज मैंने ये सब पेंटिंग्स किए। अब चलिए अब सब कुछ डिक्लटर कर लेती हूँ। कि आज तो मैंने कुछ खास नहीं किया, लाइक सिर्फ पेंटिंग्स बनाए, बट वो सारे जो पेंटिंग्स है ना उन सबको करने में बहुत ज़्यादा ही देर लगती है। पेंटिंग्स जो की है ना खास करके वो टोमेटो वाला, मैं इतनी नींद में हूँ ना कि क्या बताऊँ, लाइक टंग स्लिप हो गई। खास करके वो जो टोमेटो वाला और लास्ट में मैंने जो किया वो, तो उसको ज़्यादा ही टाइम लगा। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।